बोलिए सेल्वम, फाइनली उसका ट्रेलर आ गया है। जी हाँ, यह साउथ की सबसे बड़ी पिक्चर, कह सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर होने वाली है। इस फिल्म का बजट 500 करोड़ के आसपास का है, जो कि कह सकते हैं कि इंडिया में अभी तक इतनी बड़ी स्केल पर इतनी बड़ी पिक्चर नहीं बनी है। तो कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और इसमें आपको बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिलते हैं एक पिक्चर में, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए, क्या खास था इस ट्रेलर में, उसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और नए वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला पोलियस एल्बम, जो कि साउथ ही कह सकते हैं कि पैन इंडिया मूवी होने वाली है, और इसमें आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम, जयराम, रवि, कैर्थी, बढ़िया राय बच्चन, प्रकाश राज, ये सारे कलाकार इसमें देखने को मिलेंगे। तो भाई कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ी पिक्चर होने वाली है और इस फिल्म का बजट होने वाला है 500 करोड़। तो आज तक इंडिया में इतनी बड़ी पिक्चर नहीं बनी है, तो कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही जबरदस्त पिक्चर होने वाली है। और इस पिक्चर के स्टार कास्ट को देखने से लग रहा है कि इस पिक्चर में कुछ तो खास होने वाला है। भाई इसको देख के पूरी तरह से बाहुबली वाला फील आ रहा था। तो चलिए ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, ट्रेलर में क्या खास रहा और ट्रेलर को देखने के बाद कैसा मेरा ओपिनियन बनता है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है चोला पांड्या और राजाओं की कहानियों से। यहाँ हजार साल पुरानी कहानी को एक तरीके से बताया गया है। इस तरह के चोला पांड्या राजा उस समय रहते थे, उन्हीं के जिंदगी और उनके रहन सहन, उनके राजपाट के पृष्ठभूमि पर इसको तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं इस ट्रेलर को देखते हुए लग रहा है कि राजगद्दी या राजपाट को लेकर लड़ाई होने वाली है, संग्राम होने वाला है और बहुत सारे युद्ध वाला सीन भी दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि युद्ध के काफी सीन इसमें होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे बढ़िया मूवमेंट मुझे लगा विक्रम की एंट्री, तो जिस तरह से उनको घोड़े पर हाईलाइट करके दिखाया गया तो वो शॉट काफी अच्छा था। तो कह सकते हैं पूरे ट्रेलर में वही एक शॉट है जो एक बाव मूवमेंट देता है आपको, कह सकते हैं कि काफी जबरदस्त है। आगे बात करें जयराम रवि, वो एक राजा के रूप में या मंत्री है ऐसा कुछ दिखाया गया है। साथ ही साथ जो कीर्ति का रोल है वो कह सकते हैं सेनापति वगैरह उस टाइप के रोल में हमें देखने को मिलते हैं। जासूस के तौर पर भी, एक गुप्तचर के तौर पर भी उनको देखा जा सकता है, ऐसा उनके कैरेक्टर को देखने से लग रहा है, जो कि भेष बदलने में माहिर है। साथ ही साथ इसमें त्रिशा भी देखने को मिलती है और उनका रोल एक महारानी के टाइप का दिख रहा है। और साथ ही साथ लास्ट में आपको ऐश्वर्या राय बच्चन देखने को मिलती है, तो उनका रोल काफी भव्य दिख रहा है। और लास्ट में जब ट्रेलर अंत होता है तो उन्हीं के शॉट के साथ अंत होता है, तो कह सकते हैं कि वो एक पावरफुल महिला के रोल में दिख रही है, हो सकता है वो महारानी हो। और लास्ट में राजगद्दी का भी सीन दिखाया गया है, तो कह सकते हैं कि यह पूरी फिल्म राजगद्दी, राज सिंहासन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म की स्टोरी एक बुक पर आधारित है, जो कि पोलियस एल्बम नाम की नॉवल है, उसी की रियल स्टोरी है। कह सकते हैं कि यह स्टोरी काफी जबरदस्त होने वाली है और भाई 500 करोड़ लगाए गए इसमें, तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आगे बात करें इसके विजुअल की, तो विजुअल काफी कमाल के हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने से लगता है कि जी हाँ, एक अच्छी फिल्म है, इसमें अच्छे खासे बजट खर्च किए गए हैं। और ये जो गुफा वाला शॉट है काफी जबरदस्त दिखता है, तो कह सकते हैं कि विजुअल काफी शानदार है और इतने सारे सुपरस्टार को एक साथ देखना वो एक अलग ही बात होगी। भाई इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, एक कमी मैं कहूंगा कि इसमें हमें देखने को मिलती है, कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट वाला मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं देखने को मिलता है। और जहाँ पर यह सीन होना चाहिए था, जिस तरह से आपको पता है कि RRR में जो लास्ट वाला जो सीन दिखाया गया था बाघ के हमला करने वाला, उस तरह का कोई बाव मूवमेंट वाला सीन इसमें होना चाहिए था, लेकिन इसमें आपको ऐश्वर्या राय जो कि काफ़ी शांत स्वभाव की हैं वो देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ट्रेलर का जो अंत है, एंडिंग, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, जो कहीं ना कहीं इस ट्रेलर को थोड़ा सा ठंडा बनाता है। वह अगर कोई बहुत बड़ा लड़ाई वाला कोई पावरफुल सीन डाला जाता तो कहीं ना कहीं इस ट्रेलर का अंत काफ़ी अच्छा हो सकता था। ओवरऑल बात करें इस ट्रेलर की, तो ट्रेलर मुझे पसंद आया और भाई 500 करोड़ की पिक्चर है और इस फिल्म को देखते हुए लग रहा है कि हाँ भाई, अब इंडियन सिनेमा में बड़ी पिक्चर बन रही है, हॉलीवुड को टक्कर दे रही है। तो आप सभी से उम्मीद है कि यह फिल्म जरूर से जरूर जाके देखिए। और यह फिल्म 30 सितंबर को रिलीज हो रही है, तो आपसे अनुरोध है कि इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए, सिनेमाघरों में ही देखिए, क्योंकि भाई जो मुहिम बाहुबली ने शुरू किया था, राजामौली सर ने जो स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ा रही है यह फिल्म। और इस तरह की फिल्म हमें और चाहिए और हमें इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। तो कह सकते हैं सितंबर का महीना काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और 9 तारीख को बॉलीवुड की एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, तो भाई उसकी बजट भी 400 करोड़ के आसपास का है, तो कह सकते हैं कि बॉलीवुड भी इसमें शामिल हो गया है, उसका भी काफ़ी अच्छा बज चल रहा है। कह सकता है कि फिल्मी फैंस के लिए यह एक बहुत खुशखबरी की बात है। तो भाई अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे ट्रेलर अच्छा लगा और मैं कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए उत्सुक हूँ। आपने अगर यह ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा,
कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।